ये गॉगल लगती हूँ मैं कहीं की प्रिंसिपल। सोया किसने बजाया, तुमने या आपने? मैं बजा रहा हूँ, मैं बोलो ना शेरविर, अंदर आके बात करो। हाँ ना, ये नए वॉचमैन के चाल ढाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और मिस ब्यूटीफुल भी सोया डार्लिंग के पास ऐसी डरी सहमी सी गई है, जरूर कुछ बात है, मुझे जाके देखना ही पड़ेगा। क्या बात है शेरविरी? सोया दरवाजा लगा लो प्लीज। शेरविरी बहुत परेशान लग रही थी, इतना परेशान मैंने मिस ब्यूटी का फूल को कभी नहीं देखा, जरूर कुछ बात है। क्या करने जा रही हूँ मैं, चोरी चोरी चुपके चुपके बात सुनने जा रही हूँ? नहीं, मैं सुमित्रा जैसे फालतू की बात नहीं, काम की बात सुन रही हूँ, बस मुझे कोई ना देखे यहाँ पे। बताओ क्या हुआ? वो जो नया वॉचमैन है ना, उसके बारे में मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं उसको पहले से जानती हूँ। क्या? हमारे ऑनलाइन बात होते थे, इनफैक्ट वो मेरा ऑनलाइन दोस्त था। कुछ सालों पहले मैंने गेम लिया था, उसमें मैं टाइम पास के लिए ऑनलाइन दोस्त बनाते थे। भला टाइम पास के लिए कौन दोस्त बनाता है शर्वरी? उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने बना दिए फ्रेंड्स, उसमें से एक ये भी था। शुरुआत में बहुत अच्छे से बात करता था, पर बाद में उसकी नीयत फिसलने लगी। वो बोलने लगा मैं तुमसे रियल में बात करना चाहता हूँ, मिल के ऐसा फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में बात करना चाहता हूँ, बहुत हुआ वर्चुअल वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू बी योर प्रिंस ऑफ इन रियल लाइफ, वट एवर बोल रहा था कुछ कुछ। फिर मुझे आ गया गुस्सा और मैंने कर दिया उसको ब्लॉक। फिर बाद में उसने एक और आईडी बनाई और उससे मुझे रिक्वेस्ट भेजा, और तुमने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया। मुझे क्या पता था उसके पीछे वो है, बाद में जब पता चला तब वो ज्यादा ही ओवर करने लगा। हद तो तब हो गई जब वो बोलने लगा अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगा। क्या रही हो सोया, अगर सच में वो जान देता तो तुम फंस जाती और क्या। मुझे अभी बहुत डर लग रहा है कि ये यहाँ पे कोई बड़ा तमाशा ना खड़ा करता है। देखो शर्वरी, तुम्हारी दोस्त होने के नाते तुम्हें बस मैं एक सलाह दे सकती हूँ, तुम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाओ, अगर तुम्हारे पास वो पुराने चार्ट से तो वो पुलिस को दिखाओ और कहो अगर इस बंदे ने कल को कुछ किया तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो ये है नए वॉचमैन की सच्चाई, मैं अभी इसके ऊपर हमला नहीं कर सकती, ये मेरे ऊपर एक्शन लेगा और उसके एक्शन में कहीं मैं नहीं, इतनी जल्दी ऊपर का टिकट नहीं काटना मुझे, मुझे तो और जिंदगी देखनी है, अभी थोड़ी ना चाहूंगी, अभी अभी तो देखना शुरू किया है जिंदगी को। हाँ, दामाद जी कब आएंगे हमारे काम? इसी को भेजती हूँ उसके पास, वो लेगा शर्वरी का बदला, वैसे भी बचपन का दोस्त जो है। अभी जी कौन? दिस इज ओनली फॉर मिस ब्यूटीफुल, क्या क्या करना पड़ता है मुझे? कब आएगा ये ऊपर? आना जल्दी है, चिट्ठी पढ़ रहा है या चिट्ठी खा रहा है? अरे यार है। कौन है? अरे अरे कौन हो आप? मैं सासू माँ। क्या बात है, आपने तो मुझे एकदम शॉक कर दिया। दरअसल बात ये है दामाद जी। ये क्या चश्मा लग गया आपको? लगा नहीं है, पुराना चश्मा पहना है मैंने। अच्छा, वैसे एक बात बोलूँ, चश्मे में आप काफी अच्छी दिख रही हो। ए, बात घुमा मत, तू सब पता है मुझे कैसा है, फालतू कहीं का। मैं
और फालतू। यहाँ पे और कोई है क्या? वाह 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 वाह, तो ये सारी बातें सुनाने के लिए आपने मुझे नीचे चिट्ठी भेजी और ऊपर बुलाया ताकि मैं सुन सकूं फालतू। मैं हूँ फालतू, ऐसी क्या फालतूगिरी की है मैंने? रहने देना पापा, क्यों मुझे तो हिस्ट्री रिपीट करवाने के लिए तुलाए? माना मैं दिख रही हूँ इस लुक में टीचर, पर इसका ये अर्थ नहीं मैं तुझे पढ़ाने के लिए बैठी जाऊँ। कुछ बहुत जरूरी काम है, उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया है तुझे। ये क्या है? स्टाइल है मेरा। ऐसे स्टाइल मेरे सामने मारने की जरूरत नहीं, समझा ना? चुपचाप ऐसे खड़ा रहे सीधा। जैसी माँ वैसी बिट। क्या बोला? जो सोसाइटी में न्यू वॉचमैन आया है। खुल गया? क्या खुल गया? पीछे का दरवाजा खुल गया। हाँ, कहाँ पे थी मैं? जो सोसाइटी में न्यू वॉचमैन आया है उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी है। मिस ब्यूटीफुल के लिए वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। कैसे? ले सकता है, इसलिए यह बात मैंने तुझसे की। देखिए आप चिंता मत कीजिए, ऊपर ही रहिए, मैं नीचे जाके अभी उस बंदे को सबक सिखाता हूँ। चलो, कुछ तो काम आया फुसका। काम का ही हूँ मैं, बस आप और आपकी बेटी दोनों मुझे निकम्मा समझते हैं। जा जा, काम कर अपना, फुसमत हो जाना इस बार। कुलोन, क्या हुआ है? क्या हमारी औरत का? अभी मैं जो जो सवाल पूछूंगा उसके मुझे तू सही सही जवाब देगा। ये पापा। क्या तू शर्वरी को पहले से जानता है? अभिजीत कैसा था? बोल, क्या तू शर्वरी को पहले से जानता है? लगता है अभिजीत को पता चल गया उसके बारे में। हीरोइन देखो कैसे देख रही है ऊपर से, किसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑनलाइन चैटिंग करने के बाद तू उसका दोस्त बना, वो नहीं चाहती थी तेरे साथ मिलना, पर तू उसको ब्लैकमेल करके धमकी दे रहा था कि मुझसे मिलो, अगर नहीं मिलोगे तो जान दे दूंगा। इसीलिए मुझे डर लगता है जब बच्चा ऑनलाइन ऐसे दोस्त बनाता है, कोई किसी का भरोसा नहीं आजकल क्या कर रहा है। इतना साइड ले रहा है उसकी, कौन है कौन तू उसका? एक्स है उसका। तेरी जो एक्स थी ना, मुझे तो लगता है अब भी तेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तू इतना हाइपर हो रहा है। ये देख, उसने मेरे साथ दोस्ती की थी, मैं बस उससे मिलना चाहता था, और जो बात मैंने बोली वो बस मजाक मजाक में था, कोई सीरियस नहीं था मैं। और रही बात ब्लैकमेल की, तो मैं मस्ती कर रहा था उसके साथ, उसने सीरियसली ले लिया और उसी की वजह से मुझे मारा। इतने लड़कों की जिंदगी बार बात करोगे पाथम? और ये मार मैं नहीं भूलूंगा, इसीलिए मैं अभी इसी वक्त इस सोसाइटी से जा रहा हूँ, नहीं करना मुझे यहाँ पे कोई वॉचमैन का काम। हमारी सोसाइटी तुम लोगों को मुबारक। ए रुकना, हो गया सत्यानाश। शर्वरी जी, आपकी वजह से फिर एक बार सोसाइटी को तगड़ा झटका लगा है। सुमित्रा जी, इसमें शर्वरी की क्या गलती है? ओए चुप बैठो, है तुझसे कोई बात नहीं करना। जब देखो तब फाइट करने के लिए उतर जाता है शर्वरी के लिए, अरे इतनी फाइट करने का शौक है ना, जा WWE में चड्डी पहन के छट्टी। अभिजीत, कितनी बार मैंने तुमको बोला है मेरे मैटर्स में टांग मत अड़ाया करो। इतनी समझदार हो चुकी हूँ मैं कि मेरे मैटर मैं खुद सॉल्व करूँ, तुम्हें हर बार टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। शर्वरी, जब देखो तब हर बार लड़ाई करते रहते हो, तुमको क्या बस खुद को ताकतवर दिखाना होता है क्या? जब देखो तब इससे फाइट ले लो, उससे फाइट ले लो, क्या जरूरत थी करने की? अभी इसकी वजह से पूरे सोसाइटी में मैं बदनाम हो गई, अभी सब ये बोलेंगे शर्वर की गलती है, शर्वर की गलती की वजह से नया वॉचमैन चला गया। गलती करो तुम और सजा भुगतू मैं। ए एहसान खड़ा मोस लड़की, मेरे बेटे ने तेरी हेल्प की और तू उल्टा उससे ही सुना रही है? आपके बेटे को किसी ने कहा नहीं था ये सब करने के लिए? अरे बाबा, उल्टा जवाब देती है। उल्टा जवाब कहती है? अरे मेरे बेटे की पत्नी बनना चाहती थी तू, पर उसकी दोस्त बनने के भी लायक नहीं है।
माँ जाने दो ना। चुप है तो, बात कर रही हूँ ना मैं, मुझे बोलने दे। बेचारा मेरा बेटा हर बार तेरे साथ खड़ा रहा हर मुश्किल में बचपन से, पर तू बदले में उसे क्या देती है? बस अब तो यह गुस्सा, कुछ काम का नहीं है तेरा गुस्सा ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है सार्वरी, और इसी की वजह से तू आज यहाँ पे खड़ी है। वैसे गलती तेरी भी नहीं है, कमी तो तेरे परवरिश में ही रह गई। बस मेरी परवरिश के ऊपर मत जाइए, आपका प्रॉब्लम मुझसे है, मेरे घर वालों के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है उन्होंने मुझे कैसे संस्कार दिया है। दिख रहा है बा, चल रहा है, और आइंदा से ऐसे एहसान फरामोश लोगों की हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें तुम्हारी हेल्प की कोई कदर ही नहीं हो उनको हेल्प करके भी कोई फायदा नहीं हमारा। चल, कुछ ज्यादा ही बोल दिया शेरवरी को, उसी के लायक है वो। ओ जी सत श्री अकाल, ओ मैं क्या सी सत श्री अकाल। आई एम सो सॉरी सर, वो मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं जी। सुनो जी, आज मैं आप बड़ी उकड़ी उकड़ी लग रही हो, तुसी एक काम करो, इधर बैठ जाओ थोड़ा सा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज के। अरे काम को मारो गुल्ली, वो तो बाद में भी किया जा सकता है, पहले आपका मूड ठीक कर दे। इधर आइए, ये हुई ना बात। पापा जी की कुर्सी पे फिर से बैठ गया जी, उनको दसो मत। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैनू एक गल समझ में नहीं आती, क्या इतना प्यार क्यों करते हैं कुर्सी से, मम्मी जी से भी ज्यादा? चीज कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, उस चीज के प्रति आपका क्या इमोशन है वो मैटर करता है। वैसे जी एक बात पूछूं आपसे, देखो बुरा मत मानना। बोलिए आपको जो बोलना है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। घर में कुछ प्रॉब्लम हुई ऐसी? पापा जी ने कुछ बोला या मम्मी जी ने मारा? मां नहीं मारती मुझे। मैंने तो बड़ा मारती है। आपकी मम्मी मारती है आपको? हाँ? पर आप तो बड़े हो गए हो। तो क्यों हुआ, तो क्यों हुआ? मम्मी के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, आज भी मुझे बड़ा पीटती है। और पापा तो छोड़ो ना, मैं क्यों अपनी बात कर रहा, आप बताइए आपको क्यों हो गया? इन सुने सुने चेहरे पे आज रोना क्यों आ रहा है? उल्टा जवाब कहती है, अरे मेरे बेटे की पत्नी बनना चाहती थी तू, पर उसकी दोस्त बनने के भी लायक नहीं है। ओ जी, आपको अगर नहीं बताना तो मत बताओ जी, मैं तो बस आपका दिल हल्का करना चाहता था। मैनू गलत मत समझना, नहीं तो बोलने लगूंगी आप कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों ने कुछ बात कर दी और मैंने टेंशन ले लिया। तो छोड़ो ना टेंशन। कैसे? अगर आप टेंशन ले सकते हो तो उसे छोड़ भी सकते हो। मैं भी ना पहले वड्डे वड्डे टेंशन लेता था, फिर बाद में सोचा अरे बेटा तुझे पूरी दुनिया थोड़ी ना चलानी है, तुझे तो बस अपना दिमाग चलाना है। लोग क्या बोलते, घर वाले क्या बोलते, इन सब बातों को ना मैं एक डस्टबिन में डाल देता हूँ जी। अगर आपको तो मैं आपको भी एक डस्टबिन दे देता हूँ, आप जो सारी बातें हैं जो आपके खिलाफ लोग करते हैं उसमें डाल दो। मैनू मम्मी जी हमेशा बोलती है, लोग आपको एक दिन अच्छा बोलेंगे एक दिन बुरा बोलेंगे, अगर आप बुरा पकड़ के बैठोगे तो जब लोग अच्छा बोलेंगे तब वो अच्छा भी आप सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए जब भी आपसे कोई बुरा बोलता है ना जी उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। आपके पास नहीं तो मैं दे देता हूँ। मेरे पास भी है पर मैं ज्यादा यूज नहीं करती। ले, ये तो बड़ी गलत चीज है जी, आगे से आपको अपना डस्टबिन यूज करना पड़ेगा। आगे से नहीं, मैं अभी से मेरा डस्टबिन यूज करना शुरू कर देती हूँ, सुबह की जो भी बात हुई मैं मेरे डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये हुई ना बात, देखो कितना सन्ना सन्ना चेहरा हो गया आपका पहले जैसे। थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ सर? ना कहो जी, मैं आपका सर थोड़ी हूँ, आपके सर तो मेरे फादर जी है। आप उनके बेटे हो ना, तो मेरे लिए आप भी सर ही हुए। ओ जी धीरे बोलो, इस ऑफिस में सिर्फ एक ही सर जी है और वो है मेरे पप्पा जी, अगर उनको बात पता चली कि मुझे भी सर बोलने लगे
तुम मेरी केयर नहीं। देखो आप जैसे पापा के नीचे काम करते हो जी, वैसे ही मैं भी करता हूँ। We are equal जी, आप मुझे मेरे नाम से पुकारो। नाम से? कैसे पुकारोगे, कैसे पुकारोगे? मैंने तो अपना नाम दसा ही नहीं आपको। My name is हरमन जी, तो आगे से आप मुझे सर नहीं हरमन बुलाया करो। ना ना, ऐसा नाम लेके बुलाना awkward लगता है मुझे। ओ जी, उसमें क्या awkward है? देखो मैं आपको शर्वरी बोल सकता हूँ, आप भी मुझे हरमन बोलना, वैसे भी तो हम इक्वल इक्वल काम कर रहे हैं। अगर आप मुझे सर बोलोगी तो मैं भी आपको मैडम बोलूंगा जी। ना ना। हाँ तो फिर हरमन बोलो। ठीक है हरमन। ये हुई ना बात, अभी बात बात बहुत हुई जी, काम पे ध्यान देते, नहीं तो पप्पा जी आ गए तो मुझे कुर्सी के साथ बाहर फेंक देंगे। शर्वरी, वो अपना डस्टबिन यूज करती रहे ना।